आज की इस वीडियो में हम लोग डील करेंगे, कल हम लोग डील किए हुए थे, मतलब इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने डील किया था। क्या डील किया था? साथ ही डील किया था लेकिन मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड, मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड हम लोगों ने छोड़ दिया था, ठीक है, और इसको आज डील करेंगे। तो देखते हैं मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं सॉलिड के बारे में, और दूसरा चीज कोई भी ये डिफॉर्मेबल बॉडी था या तो ये डिफॉर्मेबल बॉडी है या तो सॉलिड बॉडी है, तो हम लोगों ने सॉलिड बॉडी के बारे में पढ़ लिया। लेकिन अब जो है, अगर मान लीजिए कोई फ्लूइड बॉडी है, कोई फ्लूइड है, मान लेते इसमें वाटर कंटेन है, तो ये जो वाटर कंटेन है तो ये क्या है? फ्लूइड है, ठीक है। और ये जो फ्लूइड है ये इसमें रखा हुआ, इसका मतलब कैसे में है? रेस्ट में, ठीक है। और ये जो रेस्ट में है, या तो अगर हम क्या करेंगे, कोई एक पाइप ले लेंगे, वेसल ले लेंगे, इधर से हम फ्लो देंगे, इधर से हम वाटर का फ्लो देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, इधर से वो बहेगा, बह करके इधर कुछ निकलेगा। तो यहां पर देखेंगे क्या, ये वाटर जो है मोशन में, वाटर जो है ये फ्लूइड है, ये जो फ्लूइड है ये जो है क्या चीज में है? मोशन में है, ठीक है। अब हम इसका डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड को, ये क्या चीज है? ब्रांच, इट इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इन विच, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, वी स्टडी अबाउट दी, अगर स्टडी अबाउट दी हम लोग क्या जानते हैं, फ्लूइड बॉडी के बारे में पढ़ेंगे ना, तो फ्लूइड बॉडी, स्टडी अबाउट दी फ्लूइड बॉडी। अब फ्लूइड बॉडी कैसी में रहेगा, या तो रेस्ट में रहेगा, विच इज इन और इन मोशन, या तो वो क्या चीज में रहेगा, या तो वो रेस्ट में रहेगा, या तो मोशन में रहेगा, तो या इसी दोनों में से कोई ना कोई रहेगा, ठीक है। और इसी जब ये फ्लो कर रहा है तो यहां से यहां आने के लिए उसको प्रेशर मिल रहा होगा तब ना, तो ये सारा चीज को फोर्स को एनालिसिस करेंगे। जब ये रेस्ट में है तब इसका एक वेट होगा, इसके ऊपर अगर हम कुछ बॉल डाल देंगे, ऊपर से कोई बॉल डाल देंगे, तो बॉल डालने के बाद इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर बनेगा। तो सारा चीज एनालिसिस, मतलब मैकेनिक्स, मतलब हम लोग यही जानते हैं कि किसी बॉडी के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, कैसे लग रहा है, डिजर्ट, तो उसी के अनुसार हम लोग क्या है, मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड में फ्लूइड के ऊपर सारा चीज पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद अब हम नेक्स्ट देखते हैं मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड के बाद, मैकेनिक्स के सारे टाइप को हमने डिफाइन कर दिए, ठीक है, और सारा टाइप को हमने डिफाइन किया है। इसके बाद अब हम चलेंगे आगे, नेक्स्ट टॉपिक आपका होता है कॉन्टिनम, ठीक है। तो कॉन्टिनम क्या होता है अभी जानेंगे, देखते हैं। ये जो कॉन्टिनम क्या है, ठीक है, तो कॉन्टिनम जो है ये एक लैटिन वर्ड है, इट इज अ लैटिन वर्ड, अब ये लैटिन वर्ड है इसका भी मतलब होगा, लैटिन हर एक लैटिन वर्ड का हिंदी हम लोग इंग्लिश में या तो हिंदी में एक मतलब निकालते हैं, उसी तरीके से ये जो लैटिन वर्ड है उसका मतलब होता है, विच मीन्स अ सीरीज और कंटिन्यूअस होल, होल मतलब होता है पूरा, क्या होता है, पूरा होता है, ठीक है। कंटिन्यूअस होल विदाउट एनी वाइड और गैप, तो कहने का मतलब क्या है, ये एक लैटिन वर्ड है,
एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब क्या होता है, एक सीरीज होता है और कंटिन्यूअस होल होता है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो है कोई भी मैटर ले लेते हैं, मैटर में क्या है कि जो बॉडी में, मान लेते हैं ये मेरे पास प्लेट है, एक प्लेन है, और प्लेन क्या है, सॉलिड में है, सॉलिड में क्या होगा, ये इतना दूर पूरा के पूरा भरा हुआ रहेगा, तो ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक सीरीज में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो सीरीज में मॉलिक्यूल जो है सीरीज में कंटिन्यूअस जुड़ा हुआ है, क्या बीच में कहीं छेद रहेगा? नहीं। उसी तरीके से इसी का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूम का मतलब क्या होता है कि कंटिन्यूअस होल, मतलब पूरे कंटिन्यूअस होल। मान लेते हैं फुटबॉल है, फुटबॉल का जो बाहर का परत है उसमें कंटिन्यूअस होल रहता है, कहने का मतलब पूरा रहता है, ठीक है, कोई छेद नहीं रहता है इसमें, इसमें कहीं, ये मान लेते हैं क्या है, फुटबॉल है, ठीक है। इस फुटबॉल में क्या कहीं छेद रहता है? नहीं, ठीक है। उसमें क्या होता है, विदाउट एनी वॉइड और गैप, बिना किसी दरार और गैप का, उसको हम जो है मैटर में जो मतलब वो जो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस सीरीज में जो है सारा चीज, उसी को क्या बोलेंगे, कॉन्टिनम बोलेंगे। और ये क्या है, हमारा बॉडी। अगर कोई बोल दे बॉडी को डिफाइन करने के लिए तो क्या करेंगे हम लोग, चलिए बॉडी को डिफाइन करते हैं। तो बॉडी को जो डिफाइन करेंगे तो कुछ इस तरीके से करते हैं, दो सब्सटेंस विच में, दो सब्सटेंस देखिए हम क्या करते हैं, हमने क्या जाना कॉन्टिनम में, कॉन्टिनम में हमने क्या जाना कि कोई परत था उसमें कंटिन्यूअस सीरीज था मैटर का, है कि नहीं, कंटिन्यूअस सीरीज था। अब यही चीज हम इसमें अगर यही सब्सटेंस मतलब ऑब्जेक्ट हो या बॉडी को डिफाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ मैटर। हमने क्या देखा, मैटर का कंटिन्यूअस सीरीज था, कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ मैटर विदाउट एनी वाइड और गैप, ठीक है। मैटर का कंटिन्यूअस सीरीज था, उसमें कहीं दरार था, कहीं टूटा हुआ था? नहीं। अगर वो टूट जाए तो कंटिन्यूअस सीरीज निकल आएगा, है ना। तो कंटिन्यूअस सीरीज है किसका, मैटर का, बिना कोई दरार या फिर गैप का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉडी बोलेंगे, ठीक है। और विथ इन अ लिमिट एरिया, मतलब कोई लिमिट एरिया तक ही रहेगा, ये नहीं कि अब ये कंटिन्यूअस सीरीज है तो लगातार जा रहा है, मेरा ये जो मार्कर है यहां से यहीं तक है, इससे ज्यादा तो है नहीं। तो ये एक अपने किसी लिमिट पॉइंट तक ही रहेगा, ना कि ये पूरा कंटिन्यूअस सीरीज आगे तक जाते रहेगा, ठीक है। तो इतना लिखने से काम चल जाएगा, ठीक है, काम नहीं अच्छे तरीके से चलेगा, ठीक है। तो ये बॉडी समझ में आ गया। बॉडी के बाद अब हम चलते हैं बेसिक कंसेप्ट पे, फंडामेंटल में बेसिक कंसेप्ट एक टॉपिक है, उस टॉपिक के ऊपर चलते हैं। अब ये बेसिक कंसेप्ट में क्या क्या आता है, तो बेसिक कंसेप्ट में हम लोग जानते हैं एक टाइम आता है, सबसे पहला टाइम होता है, मास होता है, वेट होता है। चलिए हम मास को डिफाइन करते हैं। तो मास हमें पता है ना कि मास जो है, मान लेते हैं इसी का जो मास है कितना, किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, जितना इसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर रहेगा उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। अगर क्वांटिटी ऑफ मैटर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, इसका मास बढ़ जाएगा। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, the quantity of matter without the quantity of matter contained in a body, किसी body में क्या है, contain है, known as mass of that body,
कहने का मतलब क्या, इसमें हमने क्या देखा कि जितना क्वांटिटी ऑफ मैटर इसके अंदर है उतना ही क्या रहेगा, उसका मास रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं वेट। तो वेट क्या है, ठीक है, तो वेट जो है, अब इसका वेट अलग होगा, इसका वेट अलग होगा, तो मेरे पास मार्कर और इसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर भी तो अलग अलग होगा, तो इसका जो वेट है क्या इसके बराबर कभी हो सकता है? हो सकता है, कब? जब हम सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ लेकर के जाएंगे तब इसका वेट जो है वो क्या होगा, कम होते रहेगा कि ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि वेट जो है, वेट जो है वो फिक्स नहीं होता है। वेट क्या है, अगर यहां जाइएगा तो जीरो हो जाएगा, यहां जाइएगा तो जीरो हो जाएगा। अगर आपका वेट पृथ्वी के सतह पर 30 kg है, 30 kg है, तो नीचे जाइएगा तो घटेगा। उसी तरीके से इसको अगर हम गड्ढा खून के और नीचे लेकर के जाएंगे तो क्या होगा कि ये जो है नीचे की ओर जाते समय इसका वेट जो है कम होते जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब इसको हम वेट को डिफाइन करते हैं, तो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, केजी नहीं न्यूटन होगा ना, इसका वेट जो है न्यूटन होता है यूनिट, तो जितना इसका सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ अट्रैक्शन होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेट बोलेंगे। तो हम लोग इसको डिफाइन करेंगे क्या, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ इज नोन एज वेट। तो हमने क्या बताया था, ये जो है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वेट क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसकी ओर, टुवार्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर जो अर्थ का जो सेंटर है उसकी ओर जो जो कोई फोर्स लग रहा है उसी फोर्स को क्या बोलेंगे, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसी फोर्स को क्या बोलेंगे, वेट बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं टाइम। तो टाइम भी आप लोग जानते होंगे, टाइम तो जनरली बोलने के लिए तो सभी कोई बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन टाइम का एक्चुअल डिफिनेशन जो है, डिफिनेशन किसी को नहीं पता, तो इनका डिफिनेशन हम जानते हैं, गैप बिटवीन द टू सक्सेसिव इवेंट इज नोन एज टाइम। तो हम लोग क्या जानते हैं, दो काम, दो इवेंट, दो लगातार इवेंट के बीच का जो गैप होता है उसको टाइम बोलते हैं। जस्ट लाइक क्या कि हमने यहां पे लिखना शुरू किया उस समय कुछ अलग बात है, और इसको लिखने से लेकर के इसको लिखने तक कोई ना कोई एक टाइम इंटरवल हमने लिया, यहां से ये लिखते गए लिखते गए लिखते गए, कुछ टाइम लिया, कुछ गैप हुआ, तो ये लिखने से लेकर के ये लिखने तक लगातार इवेंट के बीच में भी कुछ ना कुछ गैप हुआ, उसी गैप को हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम बोलेंगे, ठीक है। तो टाइम समझ में आ गया। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं लेंथ। अब लेंथ, लेंथ के बारे में भी सभी को जानते होंगे कि हाँ 4 meter मेरा कपड़ा है तो इतना बड़ा हो गया, मान लेते हैं ये मेरा इतना यहां से यहां हो गया मेरा, मान लेते हैं 20 cm, ठीक है। तो ये जो 20 cm क्या है, इस लाइन का लेंथ बता रहा है ना, तो ये जो लाइन का हम लेंथ बता रहे, तो क्या इस पॉइंट से इस पॉइंट का जितना दूरी है उसी को हम लोग लेंथ बोल रहे हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स और इन ऑफ एनी ऑफसेट
is known object, any object or any things, कोई भी चीज का हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो या तो लाइन भी हो, एनीथिंग का, इज नोन एज लेंथ. देखिएगा हमने क्या बोला, ये एक डिस्टेंस है. क्या है? डिस्टेंस है. किसके किसके बीच में? बिटवीन किसके किसके बीच में? दो पॉइंट. जैसे देखिए यहां से यहां तक का पॉइंट है, इस दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को हमने 20 सेंटीमीटर लिखा. तो ये 20 सेंटीमीटर क्या है? लेंथ है ना. उसके बाद देखते हैं टू एंड्स. अब एंड क्या है? मान लेते हैं मेरा पास ये मार्कर है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का दूरी है, इस एंड से इस एंड तक का जो दूरी है वो इसका क्या बताएगा? डिस्टेंस जो है वो इसका लेंथ बताएगा, कितना लंबा मेरा ये मार्कर है. ठीक है. और कोई भी ऑब्जेक्ट का है तो कोई भी चीज का दो एंड या दो छोर होगा ही होगा. ठीक है. मान लेते हैं हमारा ये बोर्ड है, हम चाहेंगे यहीं से यहीं तक नापने के लिए, तो दो एंड तो मिला मेरे को, और यहां से यहां स्केल रख के हम नाप सकते हैं. तो क्या क्या मिलेगा हमें यहाँ? इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस का क्या होगा? वो इसका लेंथ होगा, कि कितना दूरी पे है ये. ठीक है. लेंथ हो गया, वेट हो गया, टाइम हो गया. और आप लोग कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सके. शेयर करने से होगा क्या, कि अभी बहुत कोई मिल जाएगा तो वो घर बैठे आराम से पढ़ सकते हैं. ठीक है. और ये पूरे के पूरे एसबीटी बिहार के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहा है. और इसके अलावा अगर आपको सिर्फ और सिर्फ सेमेस्टर क्लियर करना है और जेई का प्रिपरेशन भी करना है, दोनों हम यहाँ करवा देंगे. ये नहीं कि अब एक चीज करवा रहे दूसरा चीज नहीं होगा. ठीक है. तो दोनों की दोनों चीज यहाँ कंसेप्ट क्लियर होगा ही होगा. तो अब हम आगे देखेंगे. अब ये बेसिक कंसेप्ट के बाद हम लोग इसमें एक चीज अब देखेंगे, क्या? यूनिट. यूनिट से पहले हम लोग देखते हैं कि अभी जो हमने मास लिखवाया था और वेट लिखवाया था, तो मास और वेट में डिफरेंस पूछता है. वेट, मास और वेट में डिफरेंस पूछता है एग्जामिनेशन में, सेमेस्टर के एग्जामिनेशन में मास और वेट का डिफरेंस पूछता है. तो इसीलिए अब हम इसको डील करेंगे. ठीक है. तो इसको अब हम डील करके देखते हैं. तो मास जो है हमें क्या पता है, दी क्वांटिटी ऑफ मैटर, दी क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी. है कि नहीं? जितना बॉडी के अंदर मैटर क्वांटिटी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं. ठीक है. ये क्या है? इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. टुवार्ड्स द सेंटर, टुवार्ड द सेंटर ऑफ The earth. तो ये क्या है? वेट क्या है? जितना हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे रहे थे उतना ही इसका क्या होगा, कि जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी बॉडी का टुवार्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ ऑफ, या तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ऑन होगा ना, ऑन एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उसी को क्या बोलेंगे? वेट बोलेंगे. चल इसके बाद हम बी देखते हैं. ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी. इट इज स्केलर क्वांटिटी. अब ये स्केलर क्वांटिटी है और ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है. तो देखिए ये स्केलर क्यों है, वेक्टर क्यों है? इसको ये स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है. क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता. इसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जरूरत पड़ेगा.
दोनों के दोनों जरूरत पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? अब देखते हैं क्या कि हमें पता है कि ये जो है अर्थ का जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर मान लेते हैं मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसके ऊपर जो जितना फोर्स लगेगा, क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, उतना ही क्या हो जाएगा, इसका फोर्स वेट हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इसको जो है वेट को क्या डायरेक्शन का भी जरूरत पड़ेगा कि हाँ इधर ही खींचा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। इसको जो है कुछ मतलब नहीं, किससे जितना क्वांटिटी है मैटर का, मान लेते इसी में जितना क्वांटिटी है मैटर वही इसका मास हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको मतलब होता है, डायरेक्शन से मतलब होता है, ठीक है। इसीलिए वो वेक्टर हो गया, एक सदिश होता है, एक अदिश होता है, ठीक है। चलिए हम सी के पे चलते हैं। ये जो है कभी जीरो नेवर, इट नेवर जीरो। क्या कभी कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा, क्या इसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर जीरो रहेगा? यहां तक कि एक छोटा सा बॉल उसमें भी क्वांटिटी ऑफ मैटर रहेगा ही रहेगा, है ना। लेकिन ये जो है इट विल जीरो, या तो इट गेट इट मे कर देते हैं। कहने का मतलब ये जो है जीरो हो सकता है, मे बी जीरो एट सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ के पास जो है इस किसी भी बॉडी का वेट जो है जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। लेकिन ये कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर आप सोचिएगा कि ये जीरो हो जाएगा तो ये कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है ये जो है कहीं भी रखिए, इस बॉडी को कहीं भी रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि इसमें क्या क्वांटिटी ऑफ मैटर कम हो जाएगा, नहीं। लेकिन इसको कहीं भी रखेंगे तो ये या तो जीरो भी हो सकता है, इसका जो वेट है या तो जीरो भी हो सकता है या तो कुछ और भी हो सकता है। तो हम क्या बोलेंगे? इट नेवर चेंज। ये क्या कभी चेंज करता? नहीं करता। लेकिन इट चेंज, अब ये नेवर चेंज, कब नेवर चेंज होगा? जब हम इसका प्लेस चेंज करेंगे तब भी कभी जीरो नहीं होगा या कभी चेंज ही नहीं होगा। अभी जो हमारा वेट यहां पर मान लीजिए 50 किलो है, तो क्या हम मून पे चल जाएंगे तो हमारा वेट 50 न्यूटन रहेगा? नहीं। लेकिन मास जो है, मास क्या होगा? 15 न्यूटन। मतलब मेरा अगर यहां पर देखा जाए कि मेरा मास हम देख लेते हैं, मास जो है 50 केजी है, और हम अगर मून पर चल जाए तो क्या इसका मेरा मास कम हो जाएगा? नहीं, सेम रहेगा। लेकिन वेट अलग हो जाएगा, वेट जो है वो अलग हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? ठीक है। मतलब मास मेरा यहाँ 48 है तो वहां पे भी 48 रहेगा मून पे भी, लेकिन वेट जो है यहाँ 48 है तो मून पे जाने के बाद कुछ और हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये जो है इट नेवर चेंज विथ चेंजेस ऑफ प्लेस। ये कभी भी चेंज नहीं होगा जब हम प्लेस को चेंज करेंगे तब। लेकिन ये क्या होगा? इट चेंज वेन चेंजेस ऑफ प्लेस। इसको हम मे कर देते हैं, इट मे चेंज भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। चेंजेस ऑफ प्लेस कहने का मतलब क्या है? अगर किसी बॉडी का वेट यहां पे है तो जितना है, अगर हम यहां से यहां के चेंज तो प्लेस किए लेकिन यहां पे भी वही सेम वेट होगा, इसीलिए कभी करेगा भी। और इसको अगर हम यहां से और हम लेकर के चल जाए और ज्यादा ऊपर 20 किलोमीटर ऊपर लेकर के चल जाए, वहां इसका कुछ अलग बात हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज हो जाता है, याद रखिए, समझ में आ गया। एक और इसमें हम एड कर देते हैं ई नंबर में। ई नंबर में क्या करते हैं? इसका SI यूनिट क्या है? इसका SI यूनिट क्या? SI यूनिट ऑफ मास इज केजी होता है कि नहीं? और SI यूनिट ऑफ वेट इज
न्यूटन होता है, होता है कि नहीं, जिसे आप लोग पहले भी जानते होंगे। ऐसा यूनिट के मास का क्या होता है, केजी होता है, और वेट का क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, तो ये चीज पांचों चीज जो है दिमाग में होना चाहिए, ताकि एग्जामिनेशन में अगर पूछ दे 3 नंबर का भी तो कोशिश कीजिए 5 पॉइंट लिखने का, ताकि इससे नंबर अच्छा मिले। चलिए ठीक है, अगर नहीं याद है 5 तो अच्छी नहीं लिखना, लेकिन 5 याद करना है। ठीक है, तो इसके बाद अब हम देखेंगे, आगे पढ़ेंगे तो यूनिट आता है, एक टॉपिक है यूनिट। ठीक है, अब ये यूनिट क्या होता है, यूनिट के बारे में तो सभी को जानते ही होंगे, नहीं भी जानते होंगे देख लेते हैं यूनिट एक्चुअली में होता है क्या। वीडियो पॉज करके इसको उतार लीजिएगा। तो देखते हैं अब हम यूनिट। ठीक है, तो यूनिट क्या होता है, तो यूनिट जो है देखते हैं 20 केजी, तो ये केजी क्या है, इस मैग्नीट्यूड का यूनिट है, ये फिजिकल क्वांटिटी का ये यूनिट है ना। तो ये जो यूनिट है एक, इसका हम देख लेते हैं 20 न्यूटन, ये जो है ये क्या यूनिट है, ये जो 20 जो है ये फिजिकल क्वांटिटी का, मान लेते हैं हम यहाँ 19 रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 19 जो है ये फिजिकल क्वांटिटी को बताएगा, लेकिन बिना इसके नहीं बता पाएगा, बिना यूनिट के नहीं बता पाएगा। क्यों, अगर हम बोल दें कि इतना बड़ा एक ईंट है उसको वेट कर दिया, ठीक है, तो वेट में क्या वो बोलेगा इसका वेट या मास बताओ, तो मास अगर बोल दिया वो कितना है, ये 5 केजी है, क्या है 5 केजी है, तो क्या ये बता सकता है वो, कि अगर हम वो सिर्फ बोलेगा 5, वो सिर्फ बोलेगा 5 तो हमें पता ही नहीं चलेगा वो क्या कर गया है, लेकिन जब तक वो 5 केजी जब डायरेक्ट बोल देगा तो हमें क्या पता चल जाएगा, उसका मास बता रहा है। अगर वो बोल देता कि वो 50 न्यूटन वेट है उसका, क्या है 50 न्यूटन उसका वेट है, तो हम क्या समझ जाएंगे वो क्या बता रहा है, वेट बता रहा है, कैसे समझेंगे, क्योंकि न्यूटन किसका ऐसा यूनिट है, ऑब्वियसली वेट का, अगर केजी किसका ऐसा यूनिट है, वो मास का है। तो हमें जब तक वो एक यूनिट के साथ नहीं लाएगा, तो वरना वो सिर्फ बोल देगा 5 या 50 बोल देगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या बता रहा है, वो मास बता रहा है या वेट बता रहा है या क्या बता रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग देखें क्या कि एक फिजिकल क्वांटिटी के साथ एक स्टैंडर्ड लग रहा है, उसी को हम लोग यूनिट बोल रहे हैं। हम लोग क्या बोलेंगे, टू एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी वी नीड अ स्टैंडर्ड टू एक्सप्रेस। अब देखिए, वी नीड अ स्टैंडर्ड एंड, क्योंकि टू एक्सप्रेस हमने आगे लिख दिया, वी नीड अ स्टैंडर्ड एंड दैट स्टैंडर्ड इज नोन एज एज यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। देखते हैं हमने क्या बताया, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, देखिए ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें क्या कोई स्टैंडर्ड का जरूरत पड़ा, वी नीड अ स्टैंडर्ड। ठीक है, और इसी स्टैंडर्ड को, एंड दैट स्टैंडर्ड इज नोन एज यूनिट, इसी दैट स्टैंडर्ड को हम लोग क्या बोल रहे हैं, यूनिट बोल रहे हैं, किसका, ये फिजिकल क्वांटिटी का ये यूनिट है कि नहीं। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं, यूनिट समझ आ गया होगा, और एक चीज याद रहे, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के लिखा दीजिए, तो उसके ऊपर हम हर एक चैप्टर वाइज हर एक कंफ्यूजन का हम उसको सॉल्यूशन करके डालेंगे एक वीडियो। ठीक है,
अब ये यूनिट जो है यूनिट का भी टाइप देखते हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट देखते हैं। तो यूनिट का भी अपना एक टाइप होता है, एक फंडामेंटल यूनिट होता है। पहला नंबर में हम देख लेते हैं फंडामेंटल अभी फंडामेंटल यूनिट्स का होता है, ठीक है। दोज यूनिट विच आर इंडिपेंडेंट, आर नॉट डिपेंड ऑन अदर यूनिट। कहने का मतलब क्या, अगर हम लिख दें मीटर, तो क्या मीटर जो है 8 मीटर, एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं ये जो मीटर है, क्या मीटर किसी किस, ये जो यूनिट है ये किसी भी यूनिट के ऊपर डिपेंडेंट है? नहीं ना। उसी तरीके से ये अपने आप में आजाद है, ये अपने आप में आजाद है। देखिएगा दोज यूनिट विच आर इंडिपेंडेंट, जो अपने आप में आजाद है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करता, और नॉट डिपेंड्स ऑन अदर यूनिट, कोई यूनिट पे डिपेंड नहीं करता। तो जैसे मीटर हो गया, केजी हो गया, केजी किसका है? मास का यूनिट है। मीटर किसका है? लेंथ का है। मीटर के बाद और हम देख लेते हैं मोल हो गया, ठीक है, और इटीसी डाल देते हैं। क्या कर देते हैं? इटीसी डाल देते हैं। इसमें आप लीटर भी डाल सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है लीटर नहीं है, लीटर भी है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं बी नंबर में ड्राइव यूनिट, अब ये ड्राइव यूनिट क्या, फंडामेंटल यूनिट समझ में आया। अब हम देखते हैं ड्राइव यूनिट, ड्राइव यूनिट क्या है देख लेते हैं। दोज यूनिट विच आर डिपेंड्स ऑन अदर यूनिट और फंडामेंटल यूनिट is known as drive unit। देखते हैं तो क्या है, अगर हम न्यूटन लिख दें, न्यूटन मीटर पर सेकेंड लिख, एग्जाम्पल में देख लेते हैं मीटर पर सेकेंड। तो ये देखिएगा ये जो मीटर पर सेकेंड है क्या इसको दो दो चीज का जरूरत पड़ा, मीटर भी का भी और सेकेंड का भी। ये जो है अगर हम यहां लिख दें सेकेंड, सेकेंड जो है टाइम का होता है, तो ये दोनों के दोनों जो है कहां से आया, फंडामेंटल से आया।